इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बताऊंगा। मेरे पास में आप ये देख सकते हैं कि कुछ लीगो किट्स हैं। लीगो किट्स मीन्स डेट होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो पूरा सर्किट बना हुआ होता है, आपको कैन प्लग एंड प्ले करना होता है। आप यू डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, प्लग करके यूज कर सकते हो। ओके, आप ये देख सकते हो जैसे मेरे पास में एक बैटरी सर्किट बनी हुई है, बैटरी सर्किट बनी है। इसमें आप देख सकते हो कि अडाप्टर का भी सिस्टम्स है, अडाप्टर और बैटरी दोनों ऑपरेशन हम इसे एक साथ कर सकते हैं। इसमें एक स्विच है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, स्टोरेज लगा हुए हैं, सो दैट कि अगर हम इसके फ्रंट में डायरेक्ट एलईडी या कुछ भी कंपोनेंट को अटैच करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें किसी और चीज़ के बीच में जरूरत नहीं पड़ सकती है। आप बैटरी डायरेक्ट यहाँ पे प्लग कर सकते हो। जैसे ये बैटरी हमारे पास में 9 वोल्ट की है, मैं इसको इसमें डायरेक्ट ऐसे प्लग कर सकता हूँ। ओके, और पावर सप्लाई यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो ये एक लीगो किट बोले जाते हैं, जिसमें कि क्या है, प्लग एंड प्ले सिस्टम्स। क्लियर। अब आज मैं एक बेसिक सर्किट आपको सिखाता हूँ लीगो किट से, कि लीगो किट से मैं कैसे किसी लाइट को या किसी बजर सर्किट को जोड़ सकता हूँ। आप नॉर्मली अगर बिना लीगो किट के आप बनाओगे तो आपको प्रॉपर एक बैटरी लेनी पड़ती है, रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, एलईडी लगानी पड़ती है, प्रॉपर वे में स्विच वगैरह सब अटैच करना पड़ता है, बट सबको आपको सोल्डरिंग वगैरह सबको आपको करना पड़ता है। क्लियर। अभी क्या है कि देखिए मेरे पास में एक बैटरी का मॉड्यूल फिक्स हो गया, ये एक स्विच का मॉड्यूल है, स्विच का मॉड्यूल मैंने किया डायरेक्ट प्लग किया, प्लग हो गया, नो सोल्डरिंग्स, नो एनी अदर पावर सोर्सेस, हॉट मेटल्स, एनी थिंग्स। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक लाइट यूज कर सकता हूँ, मैं लाइट यूज कर लिया। आप ये देखो प्लग हो चुका है। ओके, अभी ये मेरा मोड, यहाँ से आप एक अडाप्टर मोड है, एक बैटरी मोड है। ये आपका स्विच जो है अडाप्टर मोड पे होना चाहिए, बैटरी मोड पे होना चाहिए, सॉरी। अगर आप अडाप्टर्स यूज कर रहे हो, बैटरी नहीं यूज कर रहे हो, तो आप अडाप्टर मोड पे करके इसको ऑन करोगे, अगर बैटरी मोड पे कर रहे हो तो आप बैटरी मोड पे करके ऑन करोगे। अभी मेरा बैटरी मोड पे, जैसे मैं आपको ये बैटरी का पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, ये मेरा आप देख सकते हो कि बैटरी के जो लीगो किट है बैटरी वाला, उसमें पावर आ चुका है। ओके, अब मैं स्विच से इसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। आप ये जैसे मैंने स्विच ऑन किया, आप देख रहे हो लाइट जल गई, लाइट ग्लो गई, स्विच से ऑन ऑफ। ओके, मैंने क्या किया कि कल प्लग एंड प्ले करके एक बेसिक सर्किट को रेडी कर दिया है। अभी आप चाहो तो इसमें आप बजर भी इनबिल्ट कर सकते हो। अगर मैं बजर इसके आगे लगाता हूँ तो ये बजर भी लग गया मेरा। अब मेरा ये आप देख सकते हो कि लाइट के साथ साथ बजर भी चल रहा है। क्लियर है। आप चाहो सिंगल भी यूज कर सकते हो, एज यू विश। ये आपका लीगो किट है, बेसिक सर्किट बना हुआ है। आप ये देख रहे हो कि इसमें सब कुछ बना हुआ है पहले से, ये आप सर्किट है देखो, इसमें एक बना हुआ है। ओके, चाहे किसी भी चीज़ की सर्किट हो, बैटरी को रिड्यूस करने के लिए भी ये होता है, ये सर्किट है पावर वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए। ये आपका एक स्विच है, स्विच में जनरली आपका 2 पोल्स होता है, लेकिन आप ये देखोगे स्विच में ये बैक में ऑपरेशंस लगे हुए हैं। ये एक आईसी लगी हुई है, आईसी मीन्स डेट ये स्विच को कंट्रोल करने के लिए होता है, क्योंकि ये स्विच में एक मॉड्यूल ऊपर से लगा हुआ है, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल चीज़ कोई भी अटैच करके डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि ये एक कंट्रोलर चाहिए होता है, ये कंट्रोलर का एक कंट्रोलिंग सर्किट है। आईसी 555 लगा हुआ है ये, जो कि एक टाइमर आईसी बोली जाती है, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद में एक एलईडी है, एलईडी में बेसिक आपको रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं। ये एक एलईडी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, टाइमर आईसी इसमें भी लगी हुई है, जो कि इसको भी कंट्रोल करना होता है। कभी कभी आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए कंट्रोलिंग होता है, टाइमिंग होती है इसकी अलग अलग सेंसिंग के लिए, तो इसलिए आपको सब कुछ फिक्स है। आप जिस तरीके से चाहो, अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो तो ये आपकी टाइमर आईसी आपको डायरेक्ट इसको सप्लाई दे देती है, टाइमिंग का इशू नहीं होता है। और अगर आप किसी प्रोग्राम से इसको चलाते हो तो इसमें टाइमिंग की जरूरत होती है, तो ये आपको उस तरीके से रन करता है। क्लियर है। तो आज लीगो किट के बारे में मैंने एक बेसिक सर्किट सीखा है। आप चाहो तो अगर इसको डायरेक्ट लगाओ, आप देख सकते हो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इसके पीछे में सब कुछ बना होता है, पावर सप्लाई रिड्यूस करके रखता है। अगर मैं डायरेक्ट बिना स्विच के मैं इसको हटा के डायरेक्ट लगा दिया, अभी आप देख सकते हो ये डायरेक्ट भी जल रहा है। अब ये कंट्रोलिंग सीधा बैटरी से हो रही है ओनली, बट आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आप स्विच डालोगे। अगर आपके लिए कुछ कंट्रोलिंग डिवाइस है तो आप कंट्रोलिंग डिवाइस डाल सकते हो। अगर आप सेंसर से चलाना चाहते हो तो इसको सेंसर से आप चला सकते हो, सेंसर बेस्ड है। मैं इसके बारे में अभी आगे बात करूंगा। अब मैं इसमें डिफरेंट चीज़ आपको अटैच करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि आप कैसे सेंसर से कोई भी अलग अलग डिफरेंट सेंसर से डिफरेंट एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हो। सेंसर से आप लाइट को जला सकते हो, अगर आप सेंसर लगा हो तो आप इमरजेंसी लाइट कैसे बना सकते हो, इन चीज़ों के स्ट्रीट लाइट कैसे बना सकते हो, सोलर में अगर आपको चार्ज हो रहा है कोई चीज़ कैसे ऑफ हो जाए, उसके बाद किसी चीज़ ऑप्टिकल को सेंस करके आपकी लाइट कैसे चल जाए, डोर लिमिट स्विच कैसे बन जाए, ये चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको पार्ट वाइज करके समझाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।